सा खम्मा गणी। हेलो गाइस, नमस्कार। बिग बॉस की वोटिंग में आ गया है बड़ा झटका। जी हाँ, रजत दलाल आ गए हैं नंबर 4 पर। नंबर 5 पर आ गया है भाई दिग्विजय राठी। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? जी हाँ, ऐसी तो कहते हम बहुत सारी लगा देते हैं। अब वोटिंग ट्रेंड क्या है भाई? करणवीर मेरा नंबर 1 पर है भाई। किस नजरिए से करणवीर मेरा आपको नंबर 1 पर लग रहे भैया? या ट्विटर पर लग रहे हैं, वो भी स्पैम कमेंट पर? मुझे भाई करणवीर मेरा कहीं पर भी नंबर 1 नहीं दिख रहे। बाकी आपको लगते होगा भाई करणवीर मेरा नंबर 1 पर। तो जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आ रहा है, जो कह रहे हैं भाई बग्गा को बहुत सारे वोट मिल रहे हैं भाई, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। नंबर 1 पर रजत दलाल है अभी तक, मैं बता रहा हूँ भाई, कल कुछ हो जाए वो मुझे पता नहीं है। अभी तक बता रहा हूँ नंबर 1 पर है रजत दलाल, और इतना मार्जिन है कि दिग्विजय और करण के दोनों के वोट मिला दें तो भी रजत की बराबरी नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पर है दिग्विजय राठी, नंबर 3 पर है करणवीर मेरा, नंबर 4 पर है श्रुतिका। श्रुतिका और करणवीर मेरा दोनों के बात करें तो वोट मिला दे तो भी दिग्विजय राठी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय राठी 2 नंबर पर हैं, और करणवीर और श्रुतिका के दोनों वोट मिलाने के बाद भी दोस्तों दिग्विजय राठी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ये थे भाई करणवीर बारा के, दिग्विजय राठी के वोट। अब है करणवीर मेरा, तो रजत दलाल 1 नंबर पर रहेंगे, अभी भी रहेंगे, क्योंकि उनके फैंस काफी ज्यादा वोट करते हुए रोज वो 10 से 15 से 20 जितने उनकी बात करें तो टाइम मिलता है टपाटप वोट करते हुए नजर आते हैं गोरिल्ला गैंग। जी हां, रजत की गोरिल्ला गैंग बात करें तो रजत की तरह एकदम डेडिकेट दिखाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रजत गेम में डेडिकेट दिखा रहे हैं, उसी तरीके से गोरिल्ला गैंग भी डेडिकेट दिखाती हुई नजर आती है वोटिंग के मामले में। अभी दिग्विजय राठी की भी डिगी गैंग है, तो ये भी अपना वोट दिखा रही है। करणवीर मेरा के भी फैन है, खतरों के खिलाड़ी के विनर है भाई, खतरों के खिलाड़ी के विनर है, लेकिन यहां पर कोई खतरा नहीं करे करण, आराम से बैठे बैठे सोते सोते दिन काटते हुए नजर आ रहे हैं। करण का मुझे कोई घर में मुद्दा दिखता नहीं है, भले करण मुझे बात करें तो थोड़ा बहुत पसंद है, चॉप कॉर्नर है, लेकिन करण का मुझे इतना ज्यादा मुद्दे दिखते नहीं है। और करण का बात करें तो नंबर 3 पर है, और कुछ लोग कह रहे हैं श्रुतिका नंबर 3 पर है। भाई श्रुतिका को वोट कौन करेगा? भाई श्रुतिका को वोट कौन कर रहा है? 3 नंबर पर आ गई श्रुतिका, मैंने भाई कभी 3 नंबर पर देखी नहीं, कोई किसी लोगों को दिख गई पता नहीं, लेकिन श्रुतिका नंबर 4 पर भी थी। और जब से वोटिंग स्टार्ट हुए हैं चारों ही अपनी जगह पर नहीं ऊपर नीचे हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। अब नंबर अगला आता है, जो बॉटम 3 है इनके अंदर बात करें तो बग्गा जी नीचे ही थे। बग्गा जी थोड़ी देर के लिए एक बार ऊपर आए थे आज दोपहर को, लेकिन उसके बाद बग्गा जी वापस आ गए, क्योंकि विमल के और बात करें तो एक है ना हमारे अविनाश, इनका एक हैशटैग है, क्या बात करें तो ये पोपट के, इसके साथ 2 बंदरी हमारी चुगली गैंग की, इनके लिए बात करें तो इनके फैंस बग्गा जी को सपोर्ट करते हैं। बग्गा जी उनको चाय पिला रहे भाई, चाय पिलाने का तो वो करेंगे ना, नमक खाया भाई बग्गा जी, बग्गा जी का तो भाई वो सपोर्ट करेंगे फैन उसके। लेकिन बग्गा जी ज्यादा कोई मार्जिन नहीं है, कशिश और बग्गा जी में थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, लेकिन कशिश काफी ऊपर है और कशिश और चुम दोनों ही बराबर आसपास वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुम ऊपर गली है, बहुत ज्यादा ऊपर है, ऐसा नहीं है। चुम कभी कशिश ऊपर आती है, कभी चुम दोपहर को बात करें तो कशिश ऊपर आ गई थी, चुम नीचे आ गई थी, तो मतलब चुम कशिश और बग्गा पर। अब देखते हैं कल का वोटिंग ट्रेंड क्या आता है, कल के वोटिंग ट्रेंड के आधार पर हम बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या बात करें तो आखिर वोटिंग ट्रेंड है। लेकिन अभी तक तो भाई चुम कशिश और बग्गा जी पर तीनों पर भाई बात रहा है दोस्तों, जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थे बॉटम 3 में, बाकी जो ऊपर के 4 है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जिस जगह पर थे जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी उसी जगह पर अभी भी बैठे हुए। बाकी आप किसे कर रहे हैं वोट एंड सपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं। चाहते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कर दो यार, अब क्या भी मंगाओगे यार, सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी ऑथेंटिक न्यूज लेकर आ रहा हूं फिर भी यार सब्सक्राइब नहीं करो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा बहुत बारे यार शब्दों के मारवाड़ी भाषा है, तो मारवाड़ी भाषा में थोड़े बहुत शब्द ऐसे उसे इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ी छह वाली वो हमारी थोड़ी भाषा में प्रॉब्लम है, तो वो कभी कभार हो जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ट्रोल करते हैं भाई, हम चैन भी कर लेते हैं भाई, क्या है हमारी उम्र अंदर कमजोरी कुछ है, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जी हां, बाकी अपनी राय कमेंट दीजिए, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।